वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ और अच्छा भी लग रहा है आज वीडियो बना के। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा हरा कीमा, ठीक है, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद भी होगा, काफ़ी लोगों को, और काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो आज ये रेसिपी आप लोग से शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 कप ऑयल और यहाँ मैंने ली है 2 बड़े साइज की प्याज, जिसमें से 1/2 मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ी सी हम बचा लेंगे ताकि ये हम बाद में डालें। तो गाइस, ये बहुत ही मजेदार बनता है। मैंने सोचा आज आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। काफी दिन के बाद मुझे भी बहुत पसंद है ये और घर में भी सब बहुत लाइक करते हैं ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ज़रूर मैं ये शेयर करूँगी। तो मैंने माइंड में सोच के रखा था कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगी तो मैं अब इसी की बनाऊँगी, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ हरे कीमे की, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इसे हमें क्या करना है, प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइट से पिंक पिंक सी हमें ये करनी है, ठीक है। तो जैसे ये लाइट से पिंक हो जाएंगे प्याज और नरम हो जाएंगे, फिर इसके अंदर मैं क्या ऐड करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो गाइज, ये देख सकते हैं ये जो प्याज है ये गुलाबी गुलाबी सी हो गई है, लाइट सी, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छा सा हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी जाएगी, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ धनिया जाएगा और 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा जाएगा। इसके अंदर मिर्ची मैंने ऐड नहीं की है क्योंकि इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये हरा कीमा बन रहा है, इस वजह से मैंने इसके अंदर मिर्ची ऐड नहीं की है। इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड होंगी, वो भी एंड में, अभी नहीं। तो इसे हम अच्छा सा भून लेंगे, फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। वन टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे। टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे गाइस। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी और ये 1 पाव कीमा है। यहाँ मैं बीफ कीमा यूज कर रही हूँ, आप मटन चिकन कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इस कीमे को इसके अंदर अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूंगी। फाइव सेकेंड तक इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। तो गाइस, 5 सेकेंड हो चुके हैं, इसको अब मैं ढक के रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। सो गाइस, ये देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका था इसका। और ये है मैंने यहाँ मैंने दही लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, ये मैं अच्छी तरीके से फेंट के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
इसमें सिर्फ दही ऐड होगा, टमाटर वगैरह इसमें ऐड नहीं होते। तो पीछे से आवाज़ आ रही होगी तो वो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइट नहीं है इस वजह से जनरेटर चल रहा है। तो इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं ताकि जो पानी जो दही का निकलेगा वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। तो अभी चूल्हा मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है ताकि इसका पानी खुश्क हो। फिर इसके अंदर मैं हरी मिर्चों का और जो हरे धनिया का मैंने पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। एक चम्मच मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से खुश कर लूंगी। तो फ्रेंड्स इसका पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया का मैंने पेस्ट बना के रखा था, तकरीबन 3 टेबल स्पून है ये, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्ची। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ फ्रेश क्रीम डाल दूंगी। ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किए, पहले मैं इसको अच्छी तरीके से यहीं पर इस तरीके से मिक्स कर लूँगी, फिर इसको पूरे कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोगों के घर में बहुत पसंद करेंगे ये, एक दफ़ा आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो गाइस जो मैंने बाकी प्याज बचा के रखे थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अभी इसको मैं बारीक आंच पे ढक के रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। चूल्हा मैंने कम कर दिया है, तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं कीमा। और आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है और कीमा बिल्कुल रेडी है। बस इसके अंदर हमने ये हरी मिर्चें मैंने काट के रखी थी, मोटी वाली और बारीक वाली दोनों हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। ऑलमोस्ट रेडी है कीमा। आप लोग चाहे तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। ठीक है गाइस ये रेडी है, आप लोग देख सकते हैं, करीब से भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा है और खुशबू भी बहुत ख़तरनाक आ रही है। तो गाइस मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखें मज़ेदार सा हमारा हरा कीमा रेडी है। और आप लोगों ने बताना है कि रेसिपी आज की कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। ठीक है गाइस, और ये बहुत ही टेस्टी बना, मैंने टेस्ट भी किया है
और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है अभी। तो गाइस अगर रेसिपी आज की पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी मुझे देखने वाले हैं मेरे चैनल पर न्यू हैं जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दें ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। ठीक है गाइस, तो अपना ख्याल रखें, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।